अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, बहुत सारे मुसलमान भाइयों और बहनों का सवाल आ रहा है, कमेंट आ रहा है, पूछा जा रहा है कि शाबान का महीना कब शुरू हो रहा है, शब-ए-बारात का महीना कब से शुरू होगा, इसके बारे में सही मालूमात हमें बताइए। बहुत सारे लोग अनअंडरस्टैंड गलत सलत बातें बता रहे हैं। आप हमें बताइए कि शाबान का महीना कब से शुरू हो रहा है, शब-ए-बारात का महीना कब से शुरू हो रहा है और शब-ए-बारात किस तारीख को है। तो दोस्तों, बिल्कुल तशफी वाला जवाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसी बात पहुंचाएंगे जिससे आप मुतमईन हो जाएंगे और इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनिए मुकम्मल जानकारी। दोस्तों, रजब का महीना खत्म होने को है और इसके बाद जो महीना शुरू होता है वो शाबान का महीना है। जिस महीने का इंतजार मुसलमान बेसब्री के साथ करते हैं, ये महीना बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अब मैं आपको ज्यादा वक्त आपका ना लूं और बता दूं कि शाबान का महीना कब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ये तरीका आप समझ लीजिए कि हमारा इस्लामिक महीना जो शुरू होता है वो चांद निकलने पर शुरू होता है और जब खत्म होता है तो चांद जब डूबता है खत्म होता है तो इस्लामिक महीना उस पर खत्म होता है। अब 21 फरवरी को रजब की 29 तारीख हो रही है। 21 फरवरी को रजब की 29 तारीख हो रही है। अगर रजब का महीना 29 पे खत्म होता है और 21 फरवरी को शाबान का चांद निकल जाता है तो इंशाअल्लाह अजीज 22 फरवरी से शाबान का महीना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 21 फरवरी को अगर शाबान का महीना और शाबान का चांद निकल जा रहा है तो 22 फरवरी से शाबान की 1 तारीख शुरू हो जाएगी, शाबान का महीना शुरू हो जाएगा। और अगर 29 का चांद नहीं निकलता है, रजब का महीना 29 पे खत्म नहीं होता है, 30 होता है, तो फिर 23 फरवरी से आपको जो है शाबान का महीना शुरू होगा। तो अभी कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, चांद का इंतजार करना पड़ेगा। तशफी के लिए इतना बात जानना यही हमारे लिए अभी काफी है। अब यहाँ पे ये सवाल हुआ कि शब-ए-बारात कब है, तो अगर 29 का चांद निकलता है तो इस हिसाब से 7 मार्च 2023 को 29 के हिसाब से शब-ए-बारात होगी। ठीक है, शाबान की 14 तारीख होगी और 15 की रात होगी। और अगर 29 का चांद नहीं निकलता है, 30 का चांद निकलता है, तो फिर एक दिन आगे बढ़ जाएगा, 8 मार्च को शब-ए-बारात होगी। तो जब तक के चांद नहीं निकलेगा, कोई अगर फिक्स कह रहा है तो वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अभी कुछ फिक्स करके नहीं बोला जा सकता है। क्या ठिकाना है कि 29 का चांद निकल जाए, 30 का चांद निकल जाए। तो अभी हमारे लिए इतना ही जानना काफी है कि अगर 29 का चांद निकलता है तो फरवरी को शब-ए-बारात होगी, और अगर 29 का महीना, ये रजब का महीना खत्म नहीं होता है तो फिर 23 तारीख से शाबान का महीना शुरू होगा और फिर 8 मार्च को शब-ए-बारात होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये अहम जानकारी आपने जाना और आपको इत्मीनान भी हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके और इत्मीनान से रहें, चांद निकलने का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम।